नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है मोबाइल के बारे में, मोबाइल की ओपनिंग है। सो बेसिकली यार, ये वाला जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ख़राब हो चुका है, स्क्रीन जो है वो काम नहीं करती। तो मैंने अपने लिए एक मोबाइल तो मंगाया, बेसिकली मेरे लिए ही है, अभी तो मैं यूज़ करूँगा, बट वो है मम्मी के लिए। अब मम्मी ने बोला तू जब तक कोई अच्छा मोबाइल नहीं ले रहा तो ये वाला ले ले। हालांकि मन तो नहीं था लेने का, फिर भी अब ये मेरे ही मोबाइल मम्मी जो है वो हरदम यूज़ करती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक मोबाइल ले लेता हूँ, जब मेरे को अपना लेना होगा तब तुम वो ले लेना, और ये तो ख़राब हो ही चुका है। तो चलो मोबाइल की अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो देखते हैं। तो यार ये हमारा मोबाइल तो आ गया है, दो बॉक्स आया, मैंने मोबाइल जो है वो अलग से मंगाया है और जो चार्जर है वो अलग से आया है। पहले इसे खोल के देख लेते हैं। दो बार में नहीं आया, तो एक ही बार में आया। मंगाया मैंने सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से, इनकी ऐप भी है, आप चाहो तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो। डब्बा तो अच्छा है भाई, सील पैक आया है, देखते हैं क्या है। किचन नाइफ लेके आया हूँ मैं। हाँ देखते हैं क्या है। अब वीडियो कुछ लिए ये इसलिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार कि ऐसा ना हो। हालांकि सैमसंग से है तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं इसमें, पर अनबॉक्सिंग वीडियो भी ज़रूरी है बनानी, है ना? अपन भी ऑफिशियल यूट्यूबर बन जाते। डब्बा तो बड़ा बढ़िया दिया है भाई, पेपर वर्क क्या ही है। अच्छा इसमें सैमसंग की प्रॉपर्टी के कागज़ है। हट जा, दूर हो जा, ये रहा डब्बा। यार अच्छा इस पन्नी को फोड़ने में जो मज़ा है ना, आए हाय हाय। मोबाइल यार इस पन्नी को फोड़ने में जो मजा है उसको छोड़ो, इसको देखते हैं। आए हाय, डब्बा बड़ा पतला दिया है इन्होंने, रब करके देख लो जरा, बढ़िया है। किचन नाइफ से ही होगी इसकी ओपनिंग। अच्छा खाना बनाना किस किस को आता है ये बताना वीडियो में भाई। डब्बा सील पैक है, देख लो, सैमसंग का काम एकदम बढ़िया वाला है। हाँ तू बैकग्राउंड म्यूजिक दे दे पीछे से वीडियो में, टाइसन है यार अपना। अरे हो जबरदस्त, जबरदस्त काम है आंटी। हालांकि हमारी मम्मी जी का मोबाइल है पर बढ़िया है, मेरा मोबाइल चलाती थी रोज, जब देखो ना, ना जिम लेके जाने दे ना और किसी काम के लिए लेके जाने दे, और ऊपर से बोले भी रोज कि मेरे लिए भी एक मोबाइल चाहिए, मेरे लिए भी एक मोबाइल चाहिए। मैंने कहा लो भैया क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर ही देते हैं यार, बड़ा प्रीमियम है भाई। अच्छा हाँ सैमसंग के फ़ोन ना प्रीमियम होते ही हैं थोड़ा सा। चल तू भी साइड में है, इसके अंदर कुछ तो बज रहा है यार, सोने का सिक्का तो नहीं है क्या? पिन है, पिन है। हाँ पिन होगी, जो भी है, पहले तो आंटी चालू करने दो। हमारे पड़ोस की आंटी है, वो छत पे ही शूट कर रहा है यार वीडियो, चालू हो रहा है भाई। जब तक चालू हो रहा है तुझे मैं नीचे नहीं रखूँगा भाई, स्क्रैच ना लग जाए। अच्छा जब नया नया मोबाइल आता है सबको शौक लगती है मेरे मोबाइल में स्क्रैच ना लग जाए, है कि नहीं आंटी? तो तुम कहोगे आंटी कहाँ से आ गई, मैं छत पे शूट कर रहा हूँ ना वीडियो, हमारी इनकी छत बराबर की है, तो ये खुद के इधर आ जाती है टपली मार के। हो गया क्या चालू? अच्छा भाई हो रहा है, चलो वीडियो तो ये खोल दिया, मैंने खोल दिया तो चार्जर बाद में देखूँगा, पहले इसको चालू ही कर लूँ मैं। स्टार्ट, सिम मांग रहा है यार, सिम मांग रहा है। एग्री टू ऑल कर देता हूँ, एग्री नियर बाय डिवाइस, हाँ चल ठीक है जो भी है तू ले ले, एग्री कर दिया। वाईफाई के लिए कह रहा है, वाईफाई यार चालू कर दूँ क्या इसका, अपने वाले फ़ोन का? कर दिया। आया नहीं यार, आ गया, पासवर्ड डाल देता हूँ, कोई मेरा पासवर्ड नहीं देखेगा। चल भैया कनेक्ट, हो गया कनेक्टेड। अच्छा यार इसकी जो है सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है,
मेरा जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी J6, ये हालांकि मैंने 14,000 का लिया था जब ये निकला था। सुपर एमोलेड डिस्प्ले थी उसमें, बहुत छोटा सा फ़ोन है कॉम्पैक्ट, जिसने देखा होगा J6 बहुत अच्छा मोबाइल है। हालांकि इसकी जो है TFT डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसकी भी अच्छी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं, मैं फ़ोन सेटअप करके आपसे बात करता हूँ यार। तो यार हमारे मोबाइल की जो अनबॉक्सिंग है वो तो हो गई, आपने देख भी ली। अब बारी है इसकी, इसका चार्जर खोल के देख लेते हैं। चार्जर हालांकि मैंने 25 वोल्ट का मंगाया ताकि अच्छे से चार्ज हो, और ये हमारा किचन नाइफ दोबारा यूज़ होता हुआ। मैं कोई प्रोफेशनल यार वो नहीं हूँ यूट्यूबर इसे खोलने के लिए और अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाने के लिए, पर हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो मेरे को भी है, नॉलेज है टेक्निकल की। चार्जर भी प्रीमियम क्वालिटी का है यार, हैवी है। अच्छा, मारने से इसको पता नहीं खून वून निकलेगा कि नहीं। चार्जर भी ओरिजिनल है यार, सील है भाई इसमें, काम इनका सारा ओरिजिनल है सैमसंग वालों का। यही एक कारण है यार सैमसंग का फ़ोन लिया मैंने इस प्राइस में। हो सकता है आप कहोगे दूसरा भी जो फ़ोन है वो आ जाता, पर मेरे को पता नहीं क्यों ट्रस्ट है ना, और जो हमेशा से वो सैमसंग के साथ ही रहा है, इनकी जो क्वालिटी है मेरे को सैमसंग के उस पर ही आती है, खुल नहीं रही है, धार नहीं है इसमें। चलो जो भी है, हालांकि देखेंगे इसको क्या है। ये सी टाइप का चार्जर है, 25 वॉट का, C2C वाला है ये, मेरे को पड़ा 1200 कुछ का। कितने का पड़ा है ये? 1299, 1300 का पड़ा। यही थी यार वीडियो, बाकी मैं आप लोगों को जो भी अपडेट होगा बताऊंगा। इसको एक दो दिन यूज़ करके इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। तो यार फाइनली जो फ़ोन का सेटअप है वो हमने कर लिया है, और बहुत ही ईजी था। हालांकि विदाउट ईमेल आईडी एंटर किए भी इसने स्किप करने का मौका दिया और फ़ोन पूरा सेटअप हो चुका है। और मैंने एक दो फ़ोटो खींचे, अपने टाइसन के ही फ़ोटो खींचे हैं, अच्छे फ़ोटो आ रहे हैं, वीडियो क्वालिटी भी सही है। बट फ़ोन की एक दिक्कत क्या है यार, फ़ोन तो सही है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसकी जो डिस्प्ले है ना, मेरे को TFT डिस्प्ले, इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि TFT डिस्प्ले है, तो वो उतनी सही है। पर सुपर एमोलेड जो मेरे मोबाइल की, जो मैं J6 यूज़ करता हूँ, बहुत पहले एक बार फ़ोन आया था, आपको याद भी होगा, उसकी फ़ोटो दिखाता हूँ यहाँ पे वीडियो में, उसकी जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो एमोलेड है शायद, ये सुपर है, जो भी आप देख लेना। पर एक बात है, जो एमोलेड को चलाने का जो मज़ा है ना, और फिर अगर आप TFT पे शिफ्ट करोगे तो मतलब चला सकते हो, हालांकि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ लग जाता है कि यार उससे हम एक जो है डाउन शिफ्ट कर रहे हैं। पर हाँ जो भी है, अच्छी है वीडियो क्वालिटी, वीडियो भी अच्छी है, 4K का सपोर्ट है मेरे ख्याल से इसमें, बाकी मैं देखूंगा अभी, तो रिव्यू देखूंगा यार, एक दो दिन में इसका रिव्यू करूंगा। बाकी आपको जैसे भी वीडियो लगे बताना मेरे को। थैंक यू।